हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा, क्या आप भी एक नया क्रिएटर हैं, आप भी एक यूट्यूब पे नया चैनल क्रिएट किए हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज कर लें। अगर आप भी 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट कर लिए हैं तो आपके लिए बहुत ही खास वीडियो। जब आप ये दोनों चीज को कंप्लीट कर चुके हैं और आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिए हैं, तो उस टाइम के लिए बहुत खास और इम्पोर्टेंट वीडियो। जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उस टाइम हम लोगों को क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। न्यू क्रिएटर क्या करते हैं, जब वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो उस टाइम वो अपनी खुद वीडियो खुद को देखते हैं, और ये खुद की वीडियो खुद को नहीं देखना है। जी हाँ, क्योंकि उस टाइम अगर हम लोग देखते रहते उस टाइम CTR हाई हो जाता है, और ये CTR होता है क्या, क्लिक थ्रू रेट। और शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि 10% से ऊपर जाने के बाद CTR अगर हमारा हाई हो जाता है तो उस टाइम हमको बहुत जल्द ही कम करना पड़ता है, नहीं तो उससे हमारा चैनल डिसेबल भी हो सकता है। बात कर रहे थे खुद की वीडियो खुद से नहीं देखना है, क्योंकि जब हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो उस टाइम हमारा व्यूज बहुत कम आता है। ये चीज आपको नहीं करना है, खुद की वीडियो खुद से नहीं देखना। तो फ्रेंड, आपको इतनी सारी चीजों का ध्यान रखना है, नहीं तो फिर आपको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अब बात करते हैं, जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो उस टाइम यूट्यूबर क्या क्या चीज हमारा चेक करता है चैनल, और वो चेक करता है आपके चैनल पे कोई भी कॉपीराइट वीडियो नहीं। अगर आपके चैनल पे स्ट्राइक गाइडलाइन है तो फिर आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, जब भी आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उस टाइम आपके चैनल पे कोई भी कॉपीराइट और स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। और उस टाइम आपके चैनल पे ये चीज चेक करता है कि आपके चैनल किस कैटेगरी, मान लीजिए आपका चैनल टेक कैटेगरी का है तो आपको टेक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कोई सभी मूवी उठाकर अपने चैनल पर डाल दें, वैसे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका चैनल भी मोनेटाइज नहीं होगा और डिसेबल कर दिया जाएगा। और यूट्यूब ने इस बार नियम बहुत ही चेंज कर दिया है, वैसा कर दिया है कि किसी का डुप्लीकेट नहीं करना, मतलब कि कोई वीडियो डाल दिया है उसका वीडियो आप डाउनलोड करके आप अपने चैनल पे नहीं डाल सकते, नहीं तो फिर वो समझ जाएगा, फिर आपका चैनल डिसेबल कर दिया जाएगा और आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही, तो आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को जरूर शेयर करना प्लीज।